मैं आपको बताऊंगा रिटेनर क्या है और ये कब तक पहनने पड़ते हैं। आपने अपने टीथ का कोई भी ट्रीटमेंट कराया, चाहे आपके टीथ में गैप हो या आपके दांत आगे की साइड बहुत ज़्यादा हो या टेढ़े मेढ़े हो, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आपको मिल गया। मतलब आपके दांतों में जो गैप था ना वो अब गैप नहीं रहा, आपके दांत आपस में ऐसे मिल गए, अब ये ऐसे ही मिले रहें, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेनर पहनने पड़ेंगे। अब ये रिटेनर कब तक आपको पहनने हैं डिपेंड करता है कि आपके टीथ में गैप कितना था, टेढ़े मेढ़े कितने थे, आगे की साइड कितने थे। तो इस सवाल का जवाब आपको आपके डॉक्टर देंगे जिनसे आपने ट्रीटमेंट कराया था कि रिटेनर आपको कब तक पहनने पड़ते हैं। फिर भी जो मुझे पता है मिनिमम 6 महीने तो ये पहनने ही पड़ते हैं। अब कितने घंटे पहनने हैं दिन में, ये भी आपको डॉक्टर से सवाल करना पड़ेगा। मेरे तो देखो, मैं तो दिन में करीब 22 घंटे पहनता हूँ और ये 22 घंटे सिर्फ 3 महीने नहीं, 6 महीने तक मुझे 22 से लेकर 24 घंटे के बीच में पहनने हैं। 22-23 घंटे वही मैं पहन पाता हूँ, बाकी खाते में निकाल देते हैं, थोड़ा बहुत टाइम तो लग जाता है, तीन बार खाते हैं और भी कुछ खाते रहते हैं बीच में, तो वही 22 घंटे हम पहन ही लेते हैं। अब आपको कितने घंटे पहनने हैं ये आपको जहाँ से आप ट्रीटमेंट करा रहे हो ना वहाँ से पूछोगे तो आपको एकदम सही आंसर मिलेगा जो आपके लिए ठीक है। अपनी मर्जी इसमें बिल्कुल मत चलाना, ये मत सोचना चलो मैं 2 दिन रिटेनर नहीं पहनता हूँ, ऐसा मत करना। इससे क्या हो सकता है पता है, जो आपकी पुरानी वाली पोजीशन थी ना टीथ की, जो आपके दांत पहले थे, मान लो आपके दांतों में गैप था, पहले की तरह गैप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि टीथ के अंदर मूवमेंट, टिश्यू के अंदर मूवमेंट होती रहती है और मूवमेंट होने के कारण जो पुरानी वाली पोजीशन पर है उसी पर टीथ जाना चाहते हैं और चले भी जाते हैं, इसीलिए रिटेनर पहना जाता है दांतों को रिटेन करने के लिए उस नई पोजीशन पर। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी।